Assalamualaikum friends and welcome back to cook with Rayni's kitchen. आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रान मसल्लम बनाने की रेसिपी. आप रान मटन की भी ले सकते हैं और लैम की भी ले सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको मटन की रान बनाना सिखाऊंगी. और ये रान मसल्लम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो आप भी इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा. और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियोस के अपडेट्स आप कभी भी मिस ना करें. तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं. इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है मटन रान, और इसे आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से कट्स लगा लिए हैं. और ये जो वाइट वाला पार्ट होता है, यानी जो चिकनी बोटी होती है, इसे भी मैंने रान में थोड़ा बहुत लगा रहने दिया है. इससे क्या होगा कि हमारी रान बिल्कुल सूखी सूखी सी नहीं बनेगी, काफ़ी अच्छी बनेगी और टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा. जैसे कि आप खाते हैं ना बावर्ची के हाथ की रान मसल्लम, तो बस वैसे ही रान मसल्लम अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो इस तरह से थोड़ी बहुत ही चिकनी बोटी अपनी रान में लगा रहते हैं. तो मैंने भी इस तरह से आप देख सकते हैं करीब 100 ग्राम के करीब ये चिकनी बोटी इसमें लगी रहती है. अब मैं यहाँ पर एक बोल में ले रही हूँ विनेगर. यहाँ पर वाइट विनेगर का यूज़ कर रही हूँ. अगर आपके पास एप्पल साइडर विनेगर है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. इसमें मैंने ऐड किया सॉल्ट, और साथ में ही मैंने इसमें गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर दिया है. इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसे इस तरीके से रान पर डालेंगे और अच्छे से इसे स्क्रब करेंगे, जिससे कि ये जो जितना भी वाइट विनेगर है ये रान में अच्छे से जज्ब हो जाए और अंदर तक के चला जाए. इससे क्या होगा, हमारी रान बहुत ही अच्छे से टेंडर हो जाएगी और जब हम इसे कुक करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना पड़ेगा और बहुत ही ईजीली ये मैनेज कर सकेंगे आप इसे. और आपको मैं एक बात यहाँ पर बता दूँ कि ये रान मैंने कल मंगाई थी और काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए मैंने इसे डीप फ्रीजर में रख दिया था. अभी ये पूरी तरह से इसकी जो बर्फ़ है अंदर, आइस क्रिस्टल्स हैं, वो अभी घुले नहीं हैं, मेल्ट नहीं हुए हैं ठीक से, और मैंने इस रान को मैरिनेट कर दिया है. तो अगर आपको कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन है कि अगर आप रान को डीप फ्रीजर में रख रहे हैं तो आप कैसे बनाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है. मैंने तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आइस है इस रान में और तब भी बना रही हूँ मैं, तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं. बस एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जो जो स्टेप्स मैं बता रही हूँ आप एज इट इज़ इन्हें फॉलो कीजिए. अब हम इसे 3 से 4 घंटे तक के छोड़ देंगे, या फिर जब तक कि ये अच्छे से टेंडर ना हो जाए. तो अब यहाँ पर मैंने इसे 2 घंटे के बाद चेक किया है और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये टेंडर हो चुकी है, इसका कलर भी हल्का बहुत चेंज हो गया है. तो इस स्टेज पर मैं इसे अब मैरिनेट करूँगी. मैरिनेशन लगाने के लिए इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करेंगे. सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है पपीते का पेस्ट, यानी ग्रीन वाला जो पपीता होता है, रॉ पपीता, उसे लिया है. उसमें मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा सॉल्ट. सॉल्ट के साथ में ही मैंने कर्ड ऐड कर दिया है, ये मेरा फ्रेश कर्ड है. इसके साथ में ही मैंने थोड़ा सा रोस्टेड क्यूमिन पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून के करीब. साथ में ही मैंने इसमें वाइट पेपर पाउडर ऐड किया है. वाइट पेपर पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें, आप भी ज़रूर ऐड करें. अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च या लाल मिर्च पाउडर, जो भी आपके पास है वो, और साथ में ही आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर या फिर 1 पिंच के करीब फूड कलर ऐड कर सकते हैं. इसके साथ में ही मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1-1 टीस्पून ऐड कर दूंगी. इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे और एक प्रॉपर स्लरी तैयार करेंगे. इसके साथ में ही मैं इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये जो मैरिनेशन हम बना रहे हैं यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस रान को टेस्टी बनाने का. तो आप भी मैरिनेशन में बिल्कुल भी कंजूसी मत करें, दिल खोल कर मसाले यूज़ करें. तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये मैंने मिक्स कर लिया है और बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है इसमें से. तो अब मैं इसे रान पर लगा दूंगी. आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो कर्ड्स हमने लगाए हैं इसमें अंदर तक के आपको इस मैरिनेशन को डालना है. आप हैंड्स का भी यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए, और अंदर तक इन कर्ड्स में आपको मैरिनेशन को डाल देना है, जिससे कि ये जो हमारा मटन है ये सभी मसाले जज्ब कर ले और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और जूसी ये बने. तो आपको इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है. आप देख सकते हैं मैं इसे बहुत अच्छे से अंदर तक के मसाला इसमें डाल रही हूँ, और अब मेरी रान बिल्कुल आइस फ्री हो चुकी है, यानी अब ये बिल्कुल भी फ्रीज्ड नहीं है.
और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से मैं इसे रान पर लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दूँगी पर कट नहीं करूँगी। गाइस, कभी भी आपके घर में गेस्ट आ रहे हो तो आप एक ये डिश ज़रूर रखें अपने मेन्यू में, बिल्कुल रॉयल मेन्यू आपका हो जाएगा। तो आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आ रही होगी मैं उम्मीद करती हूँ। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छे से आपको इसमें मैरिनेशन लगाना है रान में। अगर आपका मैरिनेशन इन केस ख़त्म हो जाता है तो आप कोशिश करें कि दोबारा मैरिनेशन थोड़ा सा रेडी कर लें। अच्छे से इसे मसालों के साथ कवर करने के बाद मैं इसे छोड़ दूंगी 3 से 4 घंटे के लिए, और आपके पास जितना भी टाइम है आप उसके अकॉर्डिंग इसे छोड़ सकते हैं मैरिनेट होने के लिए। अब यहाँ दूसरी तरफ मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने लिया है 4 मगज बीज जो होते हैं, आपको ये किसी भी ग्रोसरी शॉप में बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे। तो ये मैंने 4 मगज लिए हैं। उसके साथ में ही मैंने लिए हैं कैशियूज़, और कैशियूज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जितना भी पसंद करें। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा रॉयल टेस्ट आता है। साथ में ही मैंने लिया है ग्रीन वाली इलायची, यानी छोटी इलायची जिसे हम बोलते हैं, और कसूरी मेथी ली है यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून के करीब, और इसके साथ में ही लिया है मैंने गरम मसाला पाउडर। इन सभी चीज़ों को आप एक ग्राइंडिंग जार में ऐड करेंगे और इसके बाद इसका पाउडर या तो बना लें, और अगर मुमकिन हो तो आप इसका पेस्ट बना लें। जिसमें आपको आसानी रहे आप पाउडर पेस्ट कुछ भी इसका रेडी कर सकते हैं। अब चलिए रान को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 से 5 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और रान हमारी बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये मैरिनेट लग रही है अब आपको। अब यहाँ पर दूसरी तरफ मैं एक फ्लेम ऑन करूँगी और इसके ऊपर रख दूँगी लगन। अगर आपके पास लगन नहीं है तो आप कोई भी बड़ा और खुला बर्तन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लगन में बिल्कुल शाही टेस्ट आता है। अब हम इस लगन में सबसे पहले ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल यहाँ पर थोड़ा ही समय यूज़ करूँगी क्योंकि आज मैं बटर यूज़ करने वाली हूँ, और मैंने इसमें अनसॉल्टेड बटर ऐड कर दिया है। आप चाहें सॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा तेज़पत्ता, 1 तेज़पत्ता मैंने ऐड कर दिया है इसमें। साथ में ही सिनेमन स्टिक और बड़ी इलायची भी ऐड कर दी है। तो ऑयल को थोड़ा सा अरोमेटिक हो जाने देंगे और इसके बाद हम इसमें रान ऐड कर देंगे। तो अब ऑयल अच्छे से अरोमेटिक हो चुका है, तो इस स्टेज पर मैं इसमें रान को ऐड कर दूंगी और अच्छे से इसे सिजल होने दूंगी एक साइड से। बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है जैसे ही मैंने रान को इसमें ऐड किया। तो गाइज़, आप भी इसे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इंजॉय करें और अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर करें। अब मैंने इसके साथ में जो मैरिनेट करते वक्त जो भी पानी निकला है इसमें से, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी क्योंकि इस पानी में बहुत सारे फ्लेवर्स हैं और हम चाहेंगे कि ये रान में ही रहें, इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। और इसे कवर करके करीब हम 15 मिनट तक के कुक। चलिए अब इसे ओपन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 15 से 20 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारा पानी यहाँ पर जो है वो जल चुका है और हमारी रान भी अच्छे से सिक चुकी है। तो अब हम इस स्टेज पर इसे फ्लिप करेंगे और आप देख सकते हैं कितनी प्रॉपर ये कुक हुई है। लेकिन ये अभी स्टार्टिंग है, अभी हमें इसी तरीके से इसे साइड चेंज करते हुए तब तक के पकाना है जब तक ये अच्छे से अंदर तक के सॉफ्ट ना हो जाए और सभी जो भी फ्लेवर्स हैं इसमें वो अंदर तक के जज्ब ना हो जाए। अब मैं इसे दोबारा कवर करके 20 मिनट्स तक कुक करूँगी। यहाँ पर 20 से 25 मिनट्स कम्प्लीट हो चुके हैं। चलिए इसे ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब धीरे धीरे ये रान श्रिंक होना स्टार्ट हुई थी, तो आप देख सकते हैं ये मेरी लगन में अच्छे से फिट हो गई है। तो मैंने इसे अंदर डाल दिया है और अच्छे से कुक होने दूँगी। आप देख सकते हैं इसकी दोनों साइड्स बहुत ही प्रॉपरली कुक हो रही हैं और बाहर से बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी नज़र आ रही है। लेकिन अभी बाहर से ही सिर्फ ये कुक हुई है और हम चाहते हैं कि हमारी रान बिल्कुल अंदर तक के एक एक स्पाइसेस जो हमने इसमें ऐड की हैं उनका टेस्ट, फ्लेवर जो है ना, वो अंदर तक के हमें मिले। बिल्कुल जैसे बावर्ची की रान होती है वैसे ही हम चाहते हैं हमारी रान भी बने। तो बस मैं इसे थोड़ा सा हिला दूँगी और एक बार चेक कर लूँगी अगर ये जल तो नहीं रही है। अगर इस स्टेज पर आप फ्लिप कर पा रहे हैं रान को तो कर दें, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इसकी फ्लेम को लो कर दें और कुछ देर तक के ऐसे ही छोड़ दें। तो थोड़ा सा मैंने इसको सेट कर दिया है और इसके बाद मैंने इसे 1 कप मिल्क पूरा इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने इसे मिल्क वॉश दिया है क्योंकि ये हमारी शाही रान है और इसे हमने मिल्क वॉश दिया है इसलिए। तो हम फिर से इसे कवर कर देंगे और अब हम इसे ओपन करेंगे करीब आधे घंटे के बाद और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या फ़र्क हुआ है।
तो अब यहाँ पर आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। चलिए मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये प्रॉपरली अंदर तक के कुक हो रही है। तो चलिए दूसरी साइड में हम ग्रेवी को भी रेडी कर लेंगे और एक साइड में आप रान को चेक करते रहें कि ये जले नहीं नीचे से और अंदर तक के कुक हो जाए। आप चाहें इसे कवर भी कर सकते हैं और अब मैं इसे ओपन करके ही कुक करूँगी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक कढ़ाई रखी है, इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑयल और इसके साथ में ही अनसॉल्टेड बटर। अगर आप बटर यूज़ कर रहे हैं तो सॉल्टेड या अनसॉल्टेड कोई भी बटर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अनसॉल्टेड बटर का यूज़ किया है और इसमें हम ऐड कर देंगे सबसे पहले एक तेज़पत्ता और इसके साथ में ही मैं इसमें अनियन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। यहाँ पर दो बड़े साइज़ के अनियन थे मेरे पास जिन्हें मैंने बारीक ग्राइंड कर लिया था मिक्सर जार में और पेस्ट बना लिया, तो उसे मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से इसे भून जाने देंगे और इसके साथ साथ में ही हम इसमें टर्मरिक पाउडर भी ऐड कर देंगे एक अच्छे से कलर के लिए और साथ में टेस्ट के लिए। अब हम इसमें रेड चिली पाउडर भी ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रेवी मैं साइड में इसलिए रेडी कर रही हूँ क्योंकि अगर हम रान के साथ में ही ग्रेवी बनाएंगे तो मे बी क्योंकि दोनों के कुक होने का टाइम डिफरेंट होता है तो ग्रेवी जल्दी पक जाएगी और रान हमारी जो है उसे टाइम लगेगा। तो इसके साथ में मैंने कोरिएंडर भी ऐड कर दिया है। आप चाहें आप ग्रेवी साथ में भी बना सकते हैं रान के, लेकिन मैंने अलग बनाया है जिससे जिसको भी ग्रेवी के साथ पसंद हो वो ग्रेवी के साथ रान को एंजॉय करे और जिसे ड्राई रान पसंद है वो ड्राई भी खा सकता है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें सॉल्ट भी ऐड कर दिया था अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये पेस्ट जिसे मैंने स्टार्टिंग में बनाया था चार मगज के बीज और साथ में कुछ और मसाले मैंने लिए थे जो कि मैंने आपको पहले बताया था। तो ये पेस्ट मैंने रेडी करके रख लिया था, आप चाहें इसका पाउडर भी बना सकते हैं। अब मैंने इस पेस्ट को इसमें ऐड कर दिया और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हमारी ग्रेवी रेडी होने वाली है। चलिए दूसरी तरफ हम रान को भी चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने इसे कवर कर दिया था, ये देख सकते हैं आप बहुत ही प्रॉपरली ये कुक हो रही है और बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है इसमें से। तो जब भी आप रान बनाएंगे अगल बगल के जो भी घर होंगे उन्हें भी पता चल जाएगा कि आपके वहाँ आज कुछ अच्छा कुक हो रहा है। तो आप देख सकते हैं बाहर से ये बहुत अच्छे से कुक हो गई है, बस अंदर से इसमें थोड़ी सी कसर रह गई है। तो आप इसे कवर करके और कुछ देर पका लें जिससे कि ये बिल्कुल प्रॉपर सॉफ्ट हो जाए और जैसा हम पसंद करते हैं बिल्कुल वैसी ही हो जाए। तो मैं इसे फ़्लिप कर दूँगी क्योंकि एक साइड से तो ये मुझे काफ़ी अच्छे से कुक लग रही है, दूसरी साइड से बस थोड़ी सी कसर है इसमें। तो आपको इसी तरह से इसे फ़्लिप करते हुए पकाना है, इसीलिए मैंने लगन का यूज़ किया। अगर आपके पास लगन नहीं है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी बड़ा और खुला बर्तन यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये साइड बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है, दूसरी साइड को भी हम अच्छे से कुक कर लेंगे जब तक कि रान सॉफ्ट ना हो जाए। और रान का सॉफ्ट होना डिपेंड करता है आपकी फ़्लेम पर और किस तरह से आप इसे कवर कर रहे हैं या कैसे बर्तन में आप इसे पका रहे हैं। तो ग्रेवी को अच्छे से भुन जाने देंगे, इसमें थोड़ा सा 1 से 2 टीस्पून पानी ऐड कर दिया है मैंने और अच्छे से चला देंगे, इसे भुन जाने देंगे और इसके बाद हम इसे रान में ऐड कर देंगे। आप चाहें आप ग्रेवी को अलग से भी सर्व कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं रान में ही ऐड कर दूंगी क्योंकि हमें दोनों चीज़ों के फ्लेवर एक में ही चाहिए और ग्रेवी ऐड कर देने से रान का फ्लेवर भी इन्हांस हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो इस तरह से मैंने बहुत ही ज़्यादा थिक ग्रेवी बनाई थी जिससे ये रान में अच्छे से कोट हो जाए और हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो क्योंकि हम नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा थिन हमारी जो ग्रेवी है रान की वो बने और हम चाहते हैं कि एक कोटिंग लग जाए ग्रेवी की इसके ऊपर। तो इसलिए मैं इस तरह से इसे लगा रही हूँ। अगर आप थिन ग्रेवी पसंद करते हैं तो आप थिन भी बना सकते हैं इसमें पानी ऐड करके। अच्छे से इसे कोट कर दूंगी और इसके बाद रान को सेकने दूंगी। ग्रेवी को अच्छे से रान पर लगा देने के बाद मैं इसे करीब आधे घंटे तक के कुक करूंगी और इसे मैं कवर करके कुक करने वाली हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने रान को कवर कर दिया है और आधे घंटे के बाद या 45 मिनट्स के बाद मैं इसे ओपन करूँगी जब तक ये अच्छे से सेक नहीं जाएगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्रॉपरली ये कुक हुई है। तो फिर से मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी और अगर इस स्टेज पर आप इसे चेक कर लें अगर अभी भी ये कच्ची है तो आप इसे दोबारा पकाएंगे और जिस तरह से आप पसंद करते हैं, जितना भी ज़्यादा गला हुआ मटन पसंद करते हैं उतना ज़्यादा आप इसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुकी है और कुक हो गई है।
तो बस हमें इसी तरीके की चाहिए थी। अब हम फ्लेम को ऑन ही रहने देंगे और अब हम इसे देंगे एक शाही अंदाज में स्मोकी फ्लेवर। जो भी लोग पसंद करते हैं वो रान को स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं, और जो नहीं पसंद करते हैं वो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन रान बने और इसमें स्मोकीनेस ना आए तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर मैं इसमें स्मोकीनेस देने के लिए आज चारकोल का यूज़ करूँगी, जो कि हम ज़्यादातर शाही खानों में यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी ऐसा बर्तन ले लें जिसे आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, जो कि जल जाए तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। जहाँ पर भी ये सेट हो जाए अच्छे से, वहाँ पर आप इसे सेट कर दीजिए, गिरने का डर ना रहे बस। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी ली है, आप चाहें आप फ्रेश रैप की या एल्युमिनियम फॉइल जो आती है उसकी भी आप बना सकते हैं कटोरी या बर्तन, और उसमें इस चारकोल को रख दें। दहकते हुए चारकोल को आपको रखना है और इसके ऊपर से आपको देसी घी डालना है। जब ये इस तरीके से धुआं देने लगे, स्मोक देने लगे, इस स्टेज पर आपको इसे कवर कर देना है और तब ओपन करना है जब इसका स्मोक पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। अब सबसे पहले हम इस चारकोल को हटा देंगे और ये हमारी बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर वाली रान रेडी है। सो गाइज, अब आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे इंजॉय करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मुझे दुआओं में याद रखें। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।